Hello everyone, welcome to the channel Gear Infotech. Today we're going to present you the Mahindra XUV300 and इसे हमें कुछ इसके फीचर्स बताएंगे सौरभ जी. तो आगे मैं सौरभ जी के पास माइक लाता हूँ. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी कोविड का टाइम है, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, घर पे रहिए और सेफ रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. दैट्स अ गुड थिंग. सर, मैं जानना चाहूँगा कि महिंद्रा XUV आपकी बेसिकली किस सेगमेंट में आती है एंड इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में कुछ बताइए हमें. जो XUV300 है ये हमारे कॉम्पैक्ट XUV सेगमेंट में आती है और इसके अगर हम कंपटीटर की अगर बात करते हैं, इसमें हमारा इको स्पोर्ट्स से आ जाता है, ब्रेजर से आ जाता है और सोनेट से आ जाता है. ये हमारे कंपटीटर हैं. ओके सर, जैसे आपने अभी बताया सोनेट इको स्पोर्ट, तो कैसे ये सोनेट एंड इको स्पोर्ट से बेटर है? क्या क्या फीचर्स इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि ये बेटर हो सकती है? ठीक है, अगर बात करते हैं तो XUV300 और जो हमारे अदर कंपटीटर है उसमें कुछ फीचर्स हम आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट आ जाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाता है और ड्यूअल जोन फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल पे एसी आ जाता है. फर्स्ट इन सेगमेंट 7 एयरबैग्स आ जाते हैं, 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आ जाता है. साथ में इसमें आपका स्मार्ट स्टीयरिंग ऑप्शंस आ जाता है. आप गाड़ी के स्टीयरिंग के 3 मोड्स अवेलेबल रहते हैं. आप गाड़ी की स्टिफनेस के जो आप स्टिफनेस है उसको हार्ड एंड स्लो कर सकते हैं. ये जो चीज़ें हैं जो हम अदर्स में नहीं मिलती, जिससे हम उनसे बेटर हैं. ओके तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा इसमें कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि इंजन ऑप्शंस इसमें बेसिकली कितने आते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी कार्स हैं जो अब सिर्फ पेट्रोल इंजन पे आ रही हैं. और देखिए, XUV300 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, साथ में आपका 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है डीजल इंजन. साथ में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन में ऑटो शिफ्ट भी अवेलेबल है. ओके, पावर बता दीजिए सर दोनों ही इंजन की. पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 110 PS पावर मिलती है और डीजल की अगर बात करते हैं 115 PS पावर है इसकी सर. ओके, अच्छा सर, कुछ इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में मुझे बताना चाहेंगे, लाइक कैसे और बेटर है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो इसमें कुछ सेगमेंट फीचर्स हैं जो हम आपको इस सेगमेंट में प्रोवाइड करें, लाइक 7 एयरबैग्स फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें आपको मिल रहा है. साथ में अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको 2600 mm की व्हील बेस मिल रही है जिससे आपको लेग रूम बेटर मिलता है. 1821 mm की इसकी विड्थ मिल रही है जिसे 3 पैसेंजर्स काफ़ी कंफर्टेबल इसमें बैठ सकते हैं. साथ में अगर बात करते हैं, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ऐप मिल जाता है. आपको साथ में ब्लूसेंस का ऑप्शन भी अवेलेबल कर रहे हैं जिसके आपके कनेक्टिविटी फीचर्स आप चाहते हैं. आपको फ़ोन को पुल का रिमोट बना सकते हैं. ईसी कंट्रोल, मिशन इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं जो इसमें आपको मिल जाते हैं. और की फीचर्स की बात करते हैं, इसमें माइक्रो हाइब्रिड के फीचर्स आपको मिल जाते हैं. जो आप गाड़ी सिग्नल पे आप जाते हैं तो आप जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल करेंगे और हैंड ब्रेक लगाएंगे और इसका ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाएगा कुछ सेकंड के बाद. और जैसे ही आप मूव ऑन करने के लिए क्लच प्रेस करेंगे, इंजन इसका फिर से स्टार्ट आ जाएगा. साथ में अगर हम बात करते हैं, जैसे बताया था मैंने, फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाती है, ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक एंट्री कंट्रोल, ईसी क्रूज कंट्रोल इसमें आ जाता है, स्टीयरिंग्स पे सारे कंट्रोल्स आ जा रहा है और माइक्रो हाइब्रिड है, स्मार्ट स्टीयरिंग्स है, ड्यूअल जोन फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल पे एसी है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं. ये सारे फीचर्स हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने बताया माइक्रो हाइब्रिड, तो ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में आती है या दोनों ही वेरिएंट्स में आती है, पेट्रोल डीजल? सर, ये दोनों वेरिएंट में आते हैं, पेट्रोल डीजल में. साथ में ये हमारा स्टार्टिंग वेरिएंट से ही स्टार्ट है. ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. यानी कि ये आप फीचर स्टैंडर्ड दे रहे हैं सारे अपने, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड ये इसको काफ़ी यूनिक भी बनाती है मेरे हिसाब से. अच्छा सर, एक चीज़ मैं यहाँ पे और जानना चाहूँगा, इस कार का वेटिंग पीरियड क्या चल रहा है? अगर हम बात करते हैं इसका, जो स्टार्टिंग वेरिएंट हमारा W4 वेरिएंट है, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 25 वीक्स का है और W6 8 एंड W8 ऑप्शनल इसका जो वेटिंग पीरियड है वो 11 वीक्स का है. ओके, अब मैं XUV300 के साइड प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जा रहे हैं, साथ में टर्न इंडिकेटर ORVM पे आ जा रहा है. अगर हम इसकी विड्थ अगर बात करते हैं, विड्थ की 1821 mm की इसकी विड्थ रहेगी. अगर व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं तो 2600 mm का इसका व्हील बेस रहेगा. साथ में इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जा रही है, बस आपके पॉकेट में की है, बस आप बटन को प्रेस करेंगे जो गाड़ी है वो आपकी लॉक अनलॉक हो जाएगी. साथ में अगर इस पर ऊपर रूफ रेल मिल जा रहा है, साथ में आपको स्पॉइलर भी मिल जा रहा है. So now let's talk about the rear profile of XUV300. Hello. अब बात करते हैं XUV300 के रियल प्रोफाइल के बारे में. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सर, इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें आपको स्पॉइलर आ रहा है, साथ में हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आ जाता है. गाड़ी जैसे आपकी जो पीछे गाड़ी है वो ब्रेक करती है, उसके पीछे वाले को भी पता चल जाता है कि आपने ब्रेकिंग की है. साथ में इसमें आपको डिफॉगर देख पा रहे हैं, साथ में वाइपर एंड वॉशर आ जाता है. साथ में अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आपको रियर व्यू कैमरा मिल जा रहा है, साथ में ये इफेक्टिव गाइडलाइंस के साथ मिल रहा है. जैसे कि आप गाड़ी पार्क करते हैं उस टाइम पर स्टीयरिंग के साथ ये आपको प्रॉपर गाइड भी करेगा, जिससे आप गाड़ी को आप बेटर तरीके से पार्क कर सकते हैं. साथ में आपका LED टेल लैंप्स आ जाते हैं और साथ में आपको पार्किंग करने के लिए पार्किंग सेंसर्स भी इसमें अवेलेबल हैं.
ओके सर, मुझे आप इसका बूट स्पेस दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको 257 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, साथ में 60:40 के रेशियो में सीट फोल्डेबल है, जो मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। ओके ओके, दैट्स अ नाइस थिंग। साथ में आपको बताता हूँ कि इसमें आपको जो बूट है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ में इसको एक पूरा फ्लैट सर्फेस बना सकते हैं, जो मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा एक फ्लैट सरफेस बन गया। अगर इन केस आपका लगेज ज़्यादा हुआ, उस कंडीशन में आप सीट फोल्ड करके और लगेज ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, थैंक यू। सो नाउ कुछ अब बात कर लेते हैं एक्सयूवी के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स के ऊपर, सौरभ जी से यहाँ पर। हेलो एवरीवन। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे हमारे पास सोनेट या फिर ह्युंडई में वेन्यू है, उसमें हमारे पास ब्लू लिंक और सोनेट में हमारे पास यूवीओ कनेक्ट है, तो एक्सयूवी में ऐसा कोई फीचर है क्या? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सर हमारे पास आता है ब्लू सेंस नाम का एक ऐप आता है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजी, जिससे आप डाउनलोड करने के बाद अगर इसको फ़ोन से कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से, जिससे आपके स्टेयरिंग से के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपके फ़ोन में आ जाएंगे, फ़ोन आपका पूरा एक रिमोट बन जाएगा, आप इससे एसी भी कवर कर सकते हैं, म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें अपने फ़ोन से ही कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एक चीज़ सर मुझे और पूछनी है आपसे, सोनेट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसका कुछ है आपके पास? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने सोनेट की बात की, सर हमारे पास भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आ जाते हैं, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं, साथ में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिग्नेचर LED DRLs आ जाते हैं, जो एक चीता इंस्पायर डिज़ाइन है, जो लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। अगर आपने देखा होगा, हमारे प्रोमो में भी देखा होगा, जो DRLs है लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। अच्छा सर, पब्लिक को सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग का इसलिए भी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि इट्स अ महिंद्रा व्हीकल एंड महिंद्रा इज़ नोन फॉर इट्स ऑफ रोडिंग, तो इस कार का पर्टिकुलर इस कार का ऑफ रोडिंग में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? ऑफ रोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन ऑफ रोडिंग में पहले क्या होता था, आप में जो ये फ़र्क आ गया है कि आप जो गाड़ियाँ होती हैं वो ऑफ रोडिंग के साथ साथ कंफर्ट भी देखते हैं। गाड़ी हमारी अगर बात करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आ जा रहे हैं, सस्पेंशन हमारे काफ़ी बेटर आ जा रहे हैं, साथ में आपका हाई ग्राउंड क्लियरेंस आ जा रहा है 180 mm का, साथ में उसके साथ हमने आपको व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा दिया, जैसे आपका लेग रूम बेटर हो जाता है, और आपका विड्थ भी दिया 18-21 mm का, जिससे 3 लोग काफ़ी कंफर्टेबल आपका बैठ सकते हैं रियर सीट में। साथ में सेफ्टी भी हमने प्रोवाइड किया है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स हम दे रहे हैं आपको, 7 एयरबैग्स दे रहे हैं इस सेगमेंट में, जो ऑफ रोडिंग के साथ साथ आपको कम्फर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में सेफ्टी भी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।